सो हम एंटर कर चुके हैं जोधपुर के साइज एग्जीबिशन के अंदर, और आते ही जो मैं गेट सबसे पहली चीज़ दिखी है वो है ये एक्यूप्रेशर चेयर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको क्या लगता है कि आपको जब आप इन दोनों चेयर में बैठेंगे तो आपको कंफर्टेबल किस में ज़्यादा लगेगा, बॉल्स के ऊपर या इन स्पाइक्स के ऊपर? तो अगर आपने स्पाइक्स चूज़ किया है तो आप बिल्कुल सही है। क्यों? तो आपको प्रद्युमन बताएगा। यहाँ पे बॉल से ज़्यादा स्पाइक्स हैं, तो इसलिए है ना जितने ज़्यादा चीज़ें होती है तो है ना उतना हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बॉल से है ना स्पाइक्स के मुकाबले कम है इसलिए हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर बैठोगे तो आपको मोर कम्फर्टेबल एंड रिलैक्सिंग फील होगा, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं बैठते हैं तो हमारा जितना भी वेट होता है वो ग्राउंड के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो स्पाइक्स है वो ज़्यादा है बॉल के कंपेरिजन में, इसलिए हमारा जो वेट है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कर पाएंगे। इसलिए इसका सही जवाब स्पाइक है, हम स्पाइक्स के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। सो हम जैसे कि स्पाइक्स के ऊपर बैठ चुके हैं और ये प्रद्युमन बॉल्स के ऊपर बैठा है, सो प्रद्युमन को जो है क्या इसे पूछते हैं, तो क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है या कम? नहीं, इसमें कम लग रहा है, मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। तो जैसा कि आपने देख लिया, इसने अपने ट्रू ओपिनियंस दे दिया है, बिकॉज ये जो हमारा जो वेट है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यूनिट पर एरिया यानी कि जितनी ज़्यादा एरिया होगा उतना हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसलिए हमें स्पाइक्स के ऊपर ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है।